हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे डेटा टाइप का साइज निकल जाता है। अगर प्रोग्रामिंग से कैसे डेटा टाइप निकलता है, डेटा टाइप का साइज निकलता है, ठीक है। हम लोग का ऐसे ही पता है जो हम प्रीवियस वीडियो में डाला, जो क्या है, इंटीजर का साइज होता है 4, कैरेक्टर का 1, फ्रूट का 4, डबल का 8। बट हम लोग प्रोग्राम से कैसे देख सकते इस साइज, आज ही हम प्रोग्राम का करके दिखाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट चल जाते हैं कहाँ, कोड ब्लॉक्स में, ठीक है। फाइल में जाते हूँ ओपन, क्योंकि मेरा ये फाइल एक बना हुआ है साइज डाटा टाइप साइज। ओपन करता हूँ इस डाटा टाइप साइज, क्योंकि मेरा फाइल बना है, मेरा बंगाली, इंग्लिश एंड हिंदी तीनों लैंग्वेज का ऊपर मेरा एक ही थीम रहता है, बट लेकिन लैंग्वेज अलग अलग होता है। मैं तीनों सब्जेक्ट का, तीनों सॉरी तीनों लैंग्वेज का ऊपर मैं वीडियो बनाते हैं, इसीलिए मेरा ये फाइल पे बंगाली में जब मैं शूट किया तो यही था। तो इसका अंदर हम देखेंगे, आप लोग का हिंदी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बंगाली समझते तो बंगाली में जाके समझ सकते, अगर इंग्लिश में समझते तो इंग्लिश में जाके समझ सकते, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया रहेगा बंगाली का और इंग्लिश का, ठीक है। अब जाते हैं डाटा टाइप साइज। डाटा टाइप कैसे करते हैं, पहले तो हम लोग को हेडर फाइल लिखना पड़ेगा, हैज इंक्लूड स्टूडियो डाटाइज, हेडर फाइल हो गया। इसके बाद क्या होगा, मेन फंक्शन, इंट मेन, मेन फंक्शन वो दो ब्रैकेट लेके बैठेगा, सॉरी। इसके बाद मुझे क्या इनपुट लेना पड़ेगा, सॉरी हम क्या लेंगे, पहले आप लोग का क्या हो सकते हैं, जो भी आप कुछ ले सकते हैं, इंटीजर सपोज ले लिए, ए इंटीजर ए। उसके बाद printf enter sorry size of the, एक अच्छा से लिखते हैं size of the data sorry data type दिखा रहा है equal to percentage d वो जो हम लोग इनपुट लिया उसका एड्रेस को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद क्या है, साइज ऑफ, एक फंक्शन है उसका साइज ऑफ, उसका अंदर जिसका हम लोग निकालेंगे ए का बेस लास्ट में, इसका ऊपर रिटर्न जीरो और रिटर्न जीरो और गेट सीएच, आप लोग जो भी मन में आएगा वही डाल सकते, कुछ भी दिक्कत नहीं। चलिए अभी हम लोग रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। साइज ऑफ द डाटा टाइप 4 निकल गया, क्योंकि इंटीजर का 4 होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है फ्लोट का, ठीक है। फ्लोट 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 का क्या होता है, बिल्ड रन, फोर का 4 होता है, देख लेते हैं क्या है, आता है फ्लोट का 4 ही आया, देख लिया आप लोग। अभी चलिए डबल का देख लेते हैं, डबल का तो 8 होता है, देख लेते हैं क्या होता है। बिल्ड एक बार देख लिए, डबल का 8 हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है दोस्तों। अभी और एक भाषा है, इसको नहीं देखेंगे तो गुस्सा हो जाएगा। इंट इंट को दिखा देते, बिल्ड बिल्ड रन, ठीक है। इसका क्या होगा, 4, सॉरी इसका तो हो गया, कैरेक्टर का नहीं हुआ, सॉरी सॉरी कैरेक्टर का, उसको कैरेक्टर का 1 होता है, देख लेते क्या हो जाए, 1, ठीक है। ठीक है दोस्तों, एक बात बता देता हूँ लास्ट में, क्या मेरा इतना जितना तक वीडियो आया अब तक 26 उसका ऊपर थियोरी बेसिस, अब जो वीडियो आएगा सब प्रोग्रामिंग का ऊपर आएगा, तो आप लोग का अच्छा लगेगा तो देख सकते हैं, लाइक कमेंट्स शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
अच्छा लगेगा तो हम जो पहले नहीं बोला, क्योंकि वो वीडियो के अंदर घुसने का बाद वो ऐसा सुन के किसी को अच्छा नहीं लग सकते, बट अब लग कर दीजिएगा क्योंकि यही तो हम लोग का, इसके लिए तो वीडियो ना आप लोग को, ठीक है। इसमें मेरा वीडियो खत्म हो रहा है, अगली वीडियो आएगा दूसरा प्रोग्राम के अंदर, देखते रहिए।